गुड मॉर्निंग गाइस, और आप सभी लोगों का स्वागत है टीम इनविंसिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश संगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं टीम इनविंसिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे कंटिन्यूअसली जो है क्वेश्चन लोग करते रहते हैं। इसके पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, मैं सभी नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे हमारे नए वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच सके। ओके, तो गाइज आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बेसिकली स्पीड को लेके, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लीडर स्पीड पे भरोसा करते हैं कि तेजी से टीम बिल्ड की जाए, और बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो स्लो और कंसिस्टेंसी पे भरोसा करते हैं। तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और मेरा जितना भी अब तक जो एटीमी में मैंने टीम बिल्ड किया है या इसके पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में जिस तरीके से काम किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है वो क्या चीज आपके बेनिफिट में जाती है। ओके, तो आपने एक सिंपल सी कहावत तो सुनी होगी कि स्लो एंड स्टडी चलना जो है वो हमेशा आपके बेनिफिट में होता है। तो सिमिलर चीज जो है वो एटमी में या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपके काम आती है, राइट। पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि अब तक आप जो भी काम कर रहे थे उस काम में आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे? क्या आप उस काम को लेके कंसिस्टेंट थे या आपने वो काम को फास्टेस्ट अचीव किया था, बहुत कम समय में अचीव किया था, राइट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैक्सिमम लोग, मैं जानता हूं कि उनके आंसर्स यही रहेंगे कि उन्होंने जो है उस चीज को कंसिस्टेंट रह के किया है, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आप किसी बिजनेस में एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो। हर चीज का तरीका एक ही है कि आप स्लो एंड कंसिस्टेंट चलें। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग अक्सर इस तरीके से साउंड करता है कि हम लोग कितने कम समय में कितना तेजी से जो है एक बड़ा माइलस्टोन जो है अचीव कर सके, राइट। और मेरे हिसाब से, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे इंपीरियल बनने की जल्दबाजी नहीं है, जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं। मैं अगर हर लीडर से ये पूछना चाहूं कि अभी आप एट प्रेजेंट क्या जॉब कर रहे थे और उस जॉब को लेके आपको अगर आप एक मिलियनर बनना चाहते तो आपको कितना समय लग जाता, राइट। तो मैक्सिमम लोग होंगे जो 20,000 की जॉब में होंगे, 30,000 की जॉब में होंगे और या 50,000 की जॉब में होंगे। अब अगर आप इस सैलरी पैकेज को लेके अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आपको शायद से 200 साल या 300 साल या हो सकता है कि पूरी आपकी लाइफ निकल जाती तो भी आप हो सकता है शायद मिलियनर की जो लाइफ स्टाइल है वो टच नहीं कर पाते, राइट। तो जब हम लोग उस पर्टिकुलर चीज को लेके इतना पेशेंस रख सकते हैं, ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में या एटमी में हमें इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है कि हमें बहुत तेजी से अचीव करना है? डेफिनेटली तेजी से अचीव करने का एक एडवांटेज है, नो मैटर, वो मैं एग्री करता हूं, बट तेजी से अचीव करना अक्सर एक्सीडेंटल होता है। मैंने ये मेरे एक्सपीरियंस से नोटिस किया है कि मैक्सिमम टीम लीडर्स जो होते हैं वो बहुत कम समय में शुरुआती दौर पर जब उन्हें चीजें समझ में आती हैं, शुरुआती दौर पे जब वो कोई प्लान प्रेजेंटेशन समझते हैं तो उनमें वो एक्साइटमेंट रहता है, और वो एक्साइटमेंट के कारण वो बहुत तेजी से और बहुत मेहनत के थ्रू बहुत बड़ी टीम जो है वो बिल्ड कर लेते हैं। बट एक सर्टेन टाइम के बाद में वो ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉप कर देते हैं, या तो उनकी टीम ड्रॉप हो जाती है। तो ये पूरा बिजनेस जो है वो मोमेंटम का बिजनेस है, पूरा मोमेंटम का बिजनेस है, कंसिस्टेंसी का बिजनेस है, ये हार्ड वर्क है। आपको एक कंटिन्यूसली जो है एफर्ट अपने लगाने ही लगाने पड़ेंगे। एक सर्टेन पोजीशन पे आप पहुंच जाते हैं, टीम आपकी ऑटोमेट हो जाती है, टीम ऑटोमेट होने के बाद में भी आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है तो, क्योंकि आप पिछले लेवल पे आप ऑटोमेट हो गए हैं, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट लेवल टच करना है तो डेफिनेटली आपको पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी और नेक्स्ट लेवल अचीव करना पड़ेगा, राइट। अब मैक्सिमम लीडर्स क्या करते हैं? मैक्सिमम लीडर्स ये करते हैं कि कम समय में ज्यादा अचीव करने के लिए बहुत तेजी से मेहनत करते हैं, अपनी टीम से भी वही करवाते हैं, और अचानक से एक महीने के बाद में अचानक से उनके अपडेट्स गायब हो जाते हैं, अचानक से उनका आप बोल सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी जीरो हो जाती है। और वो एक्टिविटी जीरो होने का मतलब होता है कि आप अपनी पूरी टीम को जो है डिमोटिवेट कर रहे हैं या टीम कोलैप्स कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज की कोई जरूरत नहीं है अगर आप स्लो एंड कंसिस्टेंट भी रहेंगे। एटमी भी बोलता है कि एटमी का भी जो नेचर है वो बहुत नेचुरल तरीके से बिजनेस बिल्ड करने को हम लोग जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, और मिस्टर हेंगल पार्क सर का भी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सिर्फ यही है कि आप नेचुरल तरीके से बिजनेस बिल्ड करें, क्योंकि नेचुरल तरीके से बनी हुई कोई भी चीज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, राइट, बहुत लंबे समय तक आपको काम आती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी वही बिजनेस है। अगर आप एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, एक नेटवर्क का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्लो एंड कंसिस्टेंट परफॉर्म करें, राइट। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई इतने सालों से जब हम लोग 20-30 हज़ार रुपए की जॉब पे रहने के बाद में एक इतने समय में इतने सालों में 20-30 साल निकाल चुके हैं, उसके बाद में भी अगर हम लोग मिलियनर नहीं बने हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ रही है कि हमें सिर्फ एक साल में मिलियनर बनना है, राइट। एक प्रैक्टिकल डेडलाइन सेट कीजिए, प्रैक्टिकल गोल सेट कीजिए, और प्रैक्टिकल गोल के हिसाब से जो है अपनी पूरी अप्रोचेस रखिए, और अपनी टीम का माइंडसेट भी ये रखिए। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं,
आपका जो मोमेंटम है या आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी टीम की कंसिस्टेंसी होती है, राइट। और इसी तरीके से आप एक बड़ा नेटवर्क जो है क्रिएट करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपने शुरुआती दौर में बहुत तेजी से काम किया, बट अचानक से पर्सनल रीजन हो या प्रोफेशनल रीजन हो या आपकी टीम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो या कोई भी दूसरा कारण रहा हो, किसी भी कारण की वजह से अगर आप जो है अपना मोमेंटम स्लो करते हैं, अपनी स्पीड स्लो करते हैं, तो वो आप सामने वाले की भी स्पीड स्लो कर रहे हैं, राइट। और यही चीज है कि स्लो और कंसिस्टेंट चीजें जो है वो आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी। स्लो अगर आप इसको 20 साल, 30 साल और 50 साल के हिसाब से एटमी को देख के चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म गोल प्लान करके आते हैं, उनका उनका इंटेंशन सिर्फ ये रहता है कि मैं एक सर्टेन टाइम में बहुत कम समय में इतना पैसा बना लूं और इस कंपनी से जो है वो बाहर निकल जाऊं। लेकिन इस तरीके का जो टारगेट है या गोल है वो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से कभी काम नहीं आते। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो मेरा तो पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़े लेवल पे जो है चीजें अचीव करें, क्योंकि अगर आप उसमें 25-30 हज़ार या 50 हज़ार रुपये महीना बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो अचीव कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे लीडर्स भी होते हैं जो ये काम करते हैं कि उनमें पेशेंस नहीं होता है, और बिजनेस या जॉब में या किसी बड़े ड्रीम को अचीव करने के लिए आप में पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी एक पार्ट है। बिना पेशेंस के आप किसी भी चीज में लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनमें पेशेंस नहीं होता है तो वो ये करते हैं कि कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंट आईडीज लगाना स्टार्ट करते हैं, एकदम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा से ज्यादा आईडीज पोस्ट करते हैं, फिर सडनली उनका नेटवर्क जो है वो डेड हो जाता है और उसके बाद में जो है उनकी एक्टिविटीज लगभग जीरो हो जाती है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को देखा है जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। जब भी वो हमारे साथ में एसोसिएट होते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे पास में इतना बड़ा नेटवर्क है, मैं इमीडिएट जो है आपके साथ में जुड़ के इतना बड़ा टीम क्रिएट कर देता हूँ। और मैं उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि मुझे उस चीज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे जल्दबाजी नहीं है इंपीरियल बनने की, और ना मैं चाहता हूँ कि टीम को जल्दबाजी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल बिजनेस है। अगर आप अपने बिजनेस को सस्टेन करना नहीं जानते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक समय के बाद में जो है एक बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो कोशिश कीजिए बिजनेस सस्टेन करने की, और बिजनेस सस्टेन करने के लिए आपका स्पीड में चलना जरूरी नहीं है, बिजनेस सस्टेन करने के लिए आपका कंसिस्टेंट होना जरूरी है। मैं बोलता हूं कि दिन की पर डे एक ज्वाइनिंग भी अगर आपकी आ रही है, पर डे अगर आप सिलेक्टेड 5, 6 या 10 लोगों को भी पिच कर रहे हैं और उन पिचिंग के तौर पर आपका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, 1 से 2 ज्वाइनिंग का भी रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो वो मोर देन सफिशियंट है। फिर इसके बाद में फोकस करें कि उन्हें पॉलिश करें, उन लीडर्स के थ्रू डुप्लीकेशन स्टार्ट करें, राइट। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप ये समझिएगा सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं, और आप कितना भी स्पीड काम क्यों ना कर रहे हैं, अगर आप जितना स्पीड से जाएंगे उतनी, या तो आप वो स्पीड मेंटेन करना सीखें, ठीक है। अगर आप बहुत स्पीड से चल रहे हैं, कंसिस्टेंटली आपके पास में एक रेगुलर बल्क ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, तो वो बल्क ज्वाइनिंग आप मेंटेन करना सीखें, ठीक है, और वही स्पीड जो है अपनी टीम को भी सिखाना स्टार्ट करें। लेकिन फिर भी मेरा एट द एंड यही सजेशन रहेगा कि किसी भी हाल में आप हर हाल में ये कोशिश करें कि टीम को स्लो एंड कंसिस्टेंट लेके जाएं, स्लो एंड कंसिस्टेंट लेके जाएं, नेचुरल वे में लेके जाएं। कोई भी तरीके की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसे भी प्री लॉन्च में हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और अभी जब लॉन्च का फर्स्ट डे भी नहीं आया है तो उस समय में भी लोगों ने अपनी हजारों और लाखों की टीम रेडी करके रखा है। तो अभी अभी जुड़ने वाला जो हर मेंबर है वो सारे के सारे मेंबर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके अभी जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके नेटवर्क में आपके अलावा हो सकता है एटमी का कोई दूसरा मेंबर ना हो, और आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप उस व्यक्ति को जो है एटमी की अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं, राइट। कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा स्पीड से चीजें करने की। स्पीड से कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि स्पीड में आप कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करें। आप स्लो परफॉर्म कर रहे हैं तो भी कंसिस्टेंट रहे और स्पीड से परफॉर्म कर रहे हैं तो भी कंसिस्टेंट रहे। लेकिन मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि स्पीड में कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, और इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि जो कहानी हमने कभी कछुए और खरगोश की सुनी थी वह सेम कहानी जो है यहां पर भी लागू होती है। और दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो एक फील्ड में कंसिस्टेंट लगा रहता है वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, राइट। और यही सेम चीज जो है नेटवर्क मार्केटिंग में भी अप्लाई होती है। बहुत सारे लोग यहां पे शॉर्ट टर्म सक्सेस के हिसाब से आते हैं कि आए और अचानक से एक बड़ा टीम खड़ा कर दें, या वो सोचते हैं कि डाउनलाइन में हमारे 2-3 लीडर्स किसी तरीके से काम कर जाए और उन लीडर्स पे वो लीडर्स को काम करवाना स्टार्ट कर दें। तो ये एक सही प्रोसेस नहीं है, एक सही प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सेम एक्सपेक्टेशन जो है वो भी अपनी डाउनलाइन से करेगा, राइट। और अगर आप ये इस तरीके से अपनी टीम को सिखा रहे हैं तो आप यही कल्चर जो है अपनी टीम को दे रहे हैं, राइट। तो ऐसा ना करें। एक छोटी सी बात मैं इसके साथ में और ऐड करना चाहूंगा। मैंने मैक्सिमम लीडर्स को देखा हुआ है कि वो
किसी भी अपॉर्चुनिटी में एक सही समय तक जो है सस्टेन नहीं कर पाते हैं, एक सही समय तक नहीं रुक पाते हैं। एटमी की अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, इसके अलावा कोई दूसरी भी अपॉर्चुनिटी होती है तो वो एकदम एक एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी के थ्रू जंप करते रहते हैं। मेरा उन्हें पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि गाइस, इस तरीके से आप किसी भी तरह जो आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं एटमी के थ्रू या किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, वो आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया के किसी भी फील्ड में एक चीज का रिक्वायरमेंट 110% होता है, और वो रिक्वायरमेंट होता है आपकी कंसिस्टेंसी का। तो काफी लोग होते हैं जो अपनी टीम से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो टीम स्विच करने के लिए ट्राई करते हैं तो भी वो एक सही सोल्यूशन नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप बैक टू बैक अपनी कंपनी स्विच करके नई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपनी फेस वैल्यू भी खराब कर रहे हैं, और उसके साथ में जो है आप अपनी जो ग्रोथ है उसको भी ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्टेन टाइम किसी भी चीज में लगता है, चाहे दुनिया की कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड उठा के देख लीजिएगा। हर फील्ड में जो व्यक्ति एक ही फील्ड को, एक ही काम को कंसिस्टेंट किया है, लगातार किया है, वही सक्सेस हासिल किया है। राइट, तो आई होप आपके लिए ये जो छोटा सा टिप था वो बहुत पावरफुल टिप रहा होगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप अपने रिव्यूज दीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप शेयर कर सकते हैं। और मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो क्रिएट करना चाहिए। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फीडबैक जरूर दें मुझे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।